हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन, चार क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का हेडिंग देखो क्या है, सॉल्व मतलब कौन सा है, जो एंगल एक्स होगा उसको निकालना है, सिंपल है, ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, कॉस है इधर है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स बराबर में है 1/9। देखो ये कॉस हो गया, इसके लिए एंगल, ये कॉस उस सड़ जाएगा तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, कॉस इनवर्स 1/9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है आपके पास, कॉस इनवर्स √1 − x², ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हो गया कॉस इनवर्स 1/9, देखो दोनों तरफ कौन सा है, फंक्शन सेम है तो हट जाएगा कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल इधर हो जाएगा 1 − x², इधर होगा 1/9, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1/81, ठीक है ना। अब यहाँ पर से −x², ठीक है, इसको उधर ले जाइए 1, एलसीएम लोगे 81, यहाँ 1 माइनस कितना हो गया 81, यहाँ कितना हो जाएगा x² = −80 अपॉन कितना 81, ये कट गया तो x बराबर कितना हो गया +−√80 / कितना 81। जब x को करोगे तो x बराबर कितना हो गया +−, कितना हो गया इधर, इसका कितना हो जाएगा 4√5 अपॉन कितना 9, यही हमारा आंसर होगा, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कॉस है इधर है हमारे पास, साइन इनवर्स x बराबर में है 1/2। तो देखो फिर से ये क्वेश्चन इसी टाइप पर है, बन जाएगा आप लोग से, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, टैन इनवर्स एक्स इसकोस टू कितना है इधर, साइन इनवर्स 1/√2, हमको एक्स का वैल्यू, एंगल एक्स है इसका निकालना है। देखो साइन इनवर्स तो सही है 1/√2, साइन किसका होता है π/4 का, नहीं तो यहाँ टैन इनवर्स कितना, एक्स तो सही है और यहाँ पर से कितना हो जाएगा, देखो तो साइन π/4 ये तो क्या बचेगा, π/4, दोनों फंक्शन सेम है तो x को फ्री करो, इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन π/4, यहाँ पर से टेन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। था फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, टेन इनवर्स कितना है x +1, अब प्लस कितना है इधर टेन इनवर्स x -1 बराबर में इधर टेन इनवर्स 8 अपॉन कितना है इधर 31, ठीक है ना। यहाँ देखो टेन इनवर्स x +y पर ले जाओ इसको, कितना हो जाएगा इधर से x +1, अब प्लस कितना x -1, अब 1 माइनस कितना हो जाएगा x +1 × x − 1 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 8/31। देखो प्लस माइनस ये कट गया, कटा ना, ऊपर में कितना हो जाएगा 2x, नीचे में कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना x +1 × x − 1, तो a + b × a − b, तो x² − 1 हो जाएगा। इधर है कौन सा, tan इनवर्स 8/ कितना 31, ध्यान से देखो दोनों तरफ क्या है, इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, और दोनों तरफ tan है सेम है तो क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, tan इनवर्स इनवर्स ख़त्म, यहाँ क्या बचेगा 2x, अब बट्टा में कितना 1 − x² −- कितना इधर प्लस, इधर कितना हो जाएगा 8/ कितना 31, इससे काट दो इधर कितना हो जाएगा 4 टाइम में कटेगा, तो इधर हो गया आपके पास x बट्टा में कितना x/ कितना 1/1 कितना हो गया 2 −x² 4/ कितना इधर 31, इधर से जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो इधर कितना हो जाएगा 31x, इधर हो जाएगा 8 − 4x², सबको इधर ले आओ 4x², यहाँ +31x −8 = 0, कैसा हो जाएगा, इसको फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा 32, और इधर हो जाएगा कौन सा 32 है, नहीं 32 है, 32 को फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा 32 × 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 32x −x − 8 = 0, यहाँ से क्या कॉमन लोगे 4x कॉमन ले लोगे, x प्लस कितना हो जाएगा 8, माइनस कॉमन लोगे तो x +8 यहाँ भी −0, यहाँ −1 हो जाएगा, यहाँ हो गया x +8 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर से जब करोगे तो 4x − 1 = 0 या फिर x + 8 = 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा 1/4,
और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, -8। अब देखो -8 वाला जो होगा निगेटिव में होगा x का वैल्यू, जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। यही हमारा एक ही आंसर होगा, x का वैल्यू 1/4। क्लियर है? तो यह क्या याद रखना है सर, अगर सॉल्व कहेगा तो x का वैल्यू निकालना है, मतलब एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।